सो हेलो एवरीवन, आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है बच्चों आप सभी के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि देखो यार मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, कुछ भी चीज सीखनी हो ना तो वो जो चीज जो इंसान कर चुका है ना, अगर आप उसके मुंह से सुनोगे ना तो बहुत मजा आएगा। तो मेरे आज के फर्स्ट गेस्ट जो है प्रशांत सर, इनको मैं जानता हूँ जब इनके यूट्यूब पे 3000 सब्सक्राइबर्स थे शायद, तब से मैं उनको जानता हूँ। और तब मैंने उनको एक बार रिक्वेस्ट की थी, सर आप मेरा चैनल है छोटा सा, आप मेरे को कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करोगे। सर ने तुरंत रिप्लाई किया था, सर ने तुरंत कमेंट किया था, उतने हम्बल प्रशांत सर है और इतने कंसिस्टेंट। अब ऑब्वियसली यार इधर आप देख रहे हो वीडियो को तो आप प्रशांत सर को तो जानते ही हो, ठीक है, हर जगह छाए हुए हैं, 9th 10th 11th 12th। अब धीरे धीरे सर किसमें छाने वाले, क्या क्या करने वाले हैं आप बस देखते जाना। जिस रेट से सर का जो चैनल ग्रो कर रहा है दैट इज इनक्रेडिबल, सर की जो हार्डवर्क है बच्चों वो इनक्रेडिबल है। तो आज ये जो सेशन है वहां पर हम सर से इन जनरल बातें करेंगे, सर का अप्रोच क्या है, सर की गाइडेंस टिप्स क्या है, तो वो सब चीज है जिसके बारे में आप सर का सेशन अटेंड करते हो। तो आज अब एक्चुअली कुछ यू नो इन 15-20 मिनट्स में भी यू विल सी सर के माइंड में क्या चल रहा है ना, इतने कमिटेड कैसे रहे, तो मेरे को भी जानना एक्चुअली, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सर पहले तो वेलकम आपको हमारे चैनल पे, छोटा सा प्यारा सा चैनल है सर, 9th 10th अगेन उसके लिए। देखो सर पहला तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आपको ऑब्वियसली अगर बच्चे देख रहे हैं तो आपको जानते ही है, सर आप पहले तो ये बताओ कि आप टीचिंग में कैसे आए और टीचिंग में आके आपको कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर तो सबसे बड़ा ग्रेट एकदम थैंक यू कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म में बुलाया, बहुत बड़ा वाला थैंक यू सर। और सर रही बात टीचिंग की तो सर मीन्स मतलब टीचर्स स्टार्टिंग में किसी का पैशन नहीं होता कि हमें टीचर बनना है, वो ऑन द स्पॉट बन जाते हैं सिचुएशंस के हिसाब से और कैसी सिचुएशन है हमारी और अगल बगल सराउंडिंग्स की वजह से हम चलो ये भी करते हैं। हाँ सर मतलब वैसे भी मुझे मतलब ऐसा था कि मैं लोगों तक अप्रोच कर सकूं और ये सर कैसा, मैं एक्चुअली मतलब गुरुकुल से भी पढ़ा हूँ अपने टाइम पे, कैसा गुरुकुल से हुआ करता था ये तो हमारे वहाँ पे यही चीज सिखाई गई है कि एट द एंड तक लोगों तक अप्रोच करो, उनकी हेल्प करो। तो एट द एंड मेरे मन में मतलब ऐसा था कि मैं कुछ तो करूंगा भले किसी भी फील्ड में रहे। करेक्ट, सो यस की हेल्प अभी कर रहा हूँ एंड नथिंग दैट्स। और सर हेल्प इतनी ज्यादा रीच हो रही है, बिलीव नहीं करोगे स्टूडेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं, तो ये फील होता है सर। और जब आप पढ़ाते हो ना वो हम्बल वाली वाइब है ना आती है सर अंदर से, भले आप कितना सर अब मैं आपको बच्चों आप यकीन नहीं करोगे सर को अगर मैं कभी भी फोन करूंगा सर ये प्रॉब्लम हुई वो गई है सर, 10-15 मिनट निकाल के भी टाइम ऐसे हुए कि सर ऐसा नहीं है कि नहीं मैं बिजी हूँ ये है वो है इतना वो करने के बाद भी, सर का एकदम हम्बल नेचर है और ये चीज है ना बच्चों आपको झलकती होगी इनके लेक्चर्स में भी। सर आप मेरे को बताओ सर, मेरे को बहुत एक चीज तो मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ और मेरे को चाहिए बच्चों को भी पता चले, आपका दिनचर्या कैसा है, मतलब शेड्यूल कैसा है आपका दिन का? यस सर मीन्स सर कैसा सुबह से अगर मैं बताऊँ मॉर्निंग से तो अभी कैसा बचपन से एक आदत रही, स्कूल भी हमारा सुबह हुआ करता था, ऐसे हमारा गुरुकुल था तो वहां पर भी मॉर्निंग में हम जाते थे। सो आदत उठने की पहले से ये सुबह 6 o'clock तो उठ जाते हैं कुछ भी रहता, मतलब 6 या 7 बजे तो उठना फिक्स टाइमिंग नहीं रहता कि ऐसा उठना या नहीं उठना, वैसे भी ये नॉर्मल है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं 5 बजे 4 बजे उठता हूँ, नॉर्मल से। और मतलब 6 बजे तो उठ ही जाना है और उसके बाद फिर स्टार्ट करना है मतलब बाहर का काम जो भी है अपना, फिर उसके बाद वर्क स्टार्ट करना है। पहले तो कॉलेज रहा करता था, अभी तो लॉकडाउन में सब ऐसा है, तो वैसा नोट्स वगैरह क्रिएट करना शुरू एंड फिर बाकी की चीजें मतलब रिकॉर्डिंग करना है, फिर एडिटिंग करना है, आज कौन सा चैप्टर पढ़ाना है पहले एकदम प्रॉपर लिख लेता हूँ, और हाँ ये चैप्टर आज हमें टीच करना है यही मेरा आज का टास्क है। तो सर मेरी मतलब एक ऐसी आदत है कि मैं टाइम पे बाउंडेड नहीं हूँ, मतलब कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक यही करूंगा, सिर्फ दो ही बाउंडेड हूँ कि सुबह इतने बजे उठना है, सोने का भी मेरा फिक्स टाइम नहीं है सर, और ना मीन्स बाकी कुछ फिक्स नहीं है, मेरे को टास्क कंप्लीट करना रहता है कि मैं आज का टास्क करूंगा, वो चाहे आज के रात के 1 बजे तक हो, 12 बजे तक हो, 11 बजे तक हो, 10 बजे तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब टाइम पे सर तो हम अपने आप को बाउंड कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा माइंड ही वैसा नहीं बना है। Definitely, definitely. 3 बजे तक मैं यही करूंगा तो ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है सर। तो मैं ऐसे करूंगा आज मैं ये चैप्टर की नोट्स क्रिएट कर लूंगा, तो आज क्रिएट कर लूंगा, कल मैं रिकॉर्ड करूंगा तो कल कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, फिर एडिट करके सपोज डाल देना है उसको, ऐसा है सर। तो ये मुझे आपकी बातों से लग रहा है कमिटमेंट एक झलक रहा है सर आपकी बातों से, बट करना है तो करना है, दिन के 3 वीडियो आप न्यू इंडियन एरा पे देखोगे बच्चों, दिन के 3 वीडियो 4 वीडियो थंबनेल प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है, आवाज प्रॉपर, एवरीथिंग इज सो सिस्टमेटिक। मतलब प्लेलिस्ट अगर उनकी चेक करोगे, मैंने कितनी बार देखा है सर मैं इंस्पायर होता हूँ, प्लेलिस्ट चेक करोगे सब कुछ कितना क्रिस्टल क्लियर है और पूरा का पूरा सिलेबस डाल रखा है यार, मतलब यार क्या मतलब यार सर ये कमिट। सर बताओ बच्चों आप मेरे को ना एक चीज बताओ, क्या आपको डिस्ट्रैक्शन होते हैं सर?
डिस्ट्रैक्शन ऑनेस्टली बोलना है सर, ऑनेस्टली बोलना है एकदम। श्योर सर, व्हाई नॉट, मतलब सर बस किस फील्ड में डिस्ट्रैक्शन का बताऊं, डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे फील्ड सर, में हो जैसे कि सकता आप है। वीडियो बना रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, कभी दोस्त ने फोन कर दिया चलो प्रशांत भाई चलो घूम कर आते थोड़ा, अरे आओ तो सर ही तुम यार, ना ही बोलते हमेशा ऐसा कुछ। हाँ सर एग्जैक्टली, अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूँ तो मतलब अगर ऑनेस्टली सर आप पूछ रहे हैं तो मतलब ये ऑनेस्टली सीक्रेट ही है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि सर मैं जब भी 10th क्लास में था तो 10th में हमारे सर थे, उन्होंने कहा कि वो बंदा कभी आगे नहीं बढ़ता जो सीखता है, वो बंदा आगे बढ़ता है जो फास्ट सीखता है, वो इम्पोर्टेंट चीज। हाँ सर एग्जैक्टली यही बात है। तो मेरी एक ऐसी आदत है कि अगर सपोज मेरे फ्रेंड ने किसी ने बुला लिया कि चलो ठीक है, तो मैं मना नहीं करता सर, मतलब जाना है जाना है। सपोज अगर किसी ने मुझे कॉल किया तो मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सर मेरा काम नहीं हो रहा है। सीरियसली मैं ओके कहूँ ना, मुझे नोट्स बना रहे तो पीपीटी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ओके पीपीटी का मैंने का वर्जन फोन पे भी ले रखा है, तो अगर ओके। मेरे से अरे कोई बात तो ईयरफोन लगाया और काम फोन पे चल रहा है उससे भी बात चालू है, फ्रेंड ने बुला बाप उधर रे, भी काम चालू है। मतलब पूरा टाइम तो आप वर्क 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 मतलब दिमाग में चलता रहता है, ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मतलब बच्चों के लिए काम करते रहना है मतलब। हाँ सर, ये थोड़ा सा कैसे आदत से लग चुकी है कि मतलब जैसे कि मैं अगर कॉलेज जाता था तो ट्रेन पे था, मैं ट्रेन पे अपना पीपीटी बना रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि सर मतलब फिर मैं दूसरे को इग्नोर कर रहा हूँ, बगल में मेरा फ्रेंड है मैं बराबर उससे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, उसे मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि पीपीटी बन रही है। मल्टीटास्किंग हो रहा है मतलब सर, मतलब ये भी एक क्वालिटी है सर जो बहुत लोगों में नहीं होती सर। तो ये शायद आइडिया सर यही है, भगवान की आज्ञा मल्टीटास्किंग सर। मल्टीटास्किंग है, कमिटमेंट है। लेकिन सर आप ये बताओ, बच्चे बोलते पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, 2 दिन पढ़ाई कर लेंगे फिर तीसरे दिन बोलेंगे मन नहीं लग रहा है। आपके चैनल पे सर मैं देखता हूँ, सर देखो कैसा होता है ना, आपको मैं इन पर्सन तो इतना नहीं जानता लेकिन हाँ चैनल के थ्रू जानता हूँ, तो उसके थ्रू एक अपना एक अलग रिलेशनशिप है। तो मेरा एक सब सिंपल एक ऑब्जर्वेशन है, वीडियो रोज अपलोड हो रही है, हर रोज काम हो रहा है। तो बच्चे जब ऐसा बोलते हैं ना सर, 2 दिन पढ़ाई में मन लग रहा है, तीसरे दिन नहीं लग रहा है, 14 दिन लग रहा है, हमारे साथ भी होता है सर, 2 3 दिन 4 दिन पढ़ा रहे, 1 दिन ऐसा लग रहा है चलो यार थोड़ा कर लेते हैं यार। तो मेरे को बताओ सच्ची में वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें बच्चों के लिए, आप ये बताओ। सर अगर रही बात कंसिस्टेंसी की तो सर देखिए मतलब मेरा जहां तक थिंकिंग है, अगर मैं उस हिसाब से कहूँ मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं सर आपके रिजल्ट सर आप नहीं, आपके रिजल्ट इस हिसाब से कि है आप जो बोलोगे सर मैं तो मानने के लिए रेडी हूँ। तो आप सर प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। सर। यस सर, देखिए सर मेन चीज कहाँ है ना कि अगर जैसे कि अगर मुझे कुछ करना है, सपोज फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल मेरे पास एक फोन नहीं है, ठीक करेक्ट है, अभी वो मुझे फोन चाहिए, तो मुझे फोन कहाँ से मिलेगा, मैं जॉब करूंगा मुझे पैसे आएंगे फिर मैं खरीदूंगा, तो मतलब मेरे पास एक पाथ एक माइंड सेट हो चुका है, मेरे पास मंजिल है कि मुझे फोन खरीदना है, अब ओके उसके लिए काम करना है, पैसे आएंगे देन मैं फोन खरीदूंगा, करेक्ट करेक्ट ठीक है, करेक्ट अब मेरे पास एक मंजिल आ चुकी है कि मुझे उसे पाना है। करेक्ट 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 बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि बहुत ज्यादातर बच्चे वही लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा 2 दिन पढ़ के होता है तीसरे दिन नहीं होता, हाँ सर ऐसा कि पूरे महाराष्ट्र में या फिर ऑल ओवर इंडिया कोई टॉप नहीं करता, 99-100% सब लेके आते हैं, करेक्ट तो करेक्ट एक दो बच्चे ऐसे रहते हैं ना वो क्यों लेके आ रहे हैं, और जो करेक्ट कह रहा है कि मेरा पढ़ के होता है तीसरे दिन, तो क्या उस बच्चे के पास नहीं होता होगा जो 99 ला रहा है, उसके पास भी ये होता रहेगा, लेकिन करेक्ट उसके पास उसको मंजिल अपनी दिख रही है, उसने अपना लक्ष्य टारगेट कर लिया है कि मुझे ये पाना है, तो कहीं ना सर दूसरे बच्चे जो ये कहते हैं कि 2 दिन पढ़ के तीसरे दिन पढ़ने नहीं होता, उन्हें कहीं ना कहीं पहली बात तो पढ़ाई का इंपॉर्टेंस नहीं पता होगा, मे बी ऐसा कि पढ़ाई से हम क्या हासिल कर सकते हैं रियलिटी में, और उन्हें लगता है कि हम जस्ट पास हो जाएं, क्योंकि उन्हें इंपॉर्टेंस तो पता ही नहीं, वो चाहते हैं कि हम कैसे भी करके 10वीं से निकलें, 11वीं में जाएं, 12वीं से निकलें, कॉलेज जाएं, कॉलेज से पढ़ाई हो जाए, कैसा हमारा एग्जाम निकल जाए, काश कैसा करके आज पढ़ के निकल जाए, इस मतलब वो छुटकारा पाना चाहते हैं सर, ऐसा है मेरा जहां तक सोचना यही है, वो चाहते हैं कि सर हम इससे छूट निकल जाएं, ब्यूटीफुली एंजॉय नहीं, एक्सप्लेन्ड, अगर सर उसमें एंजॉय कर लें वो तो मतलब फिर तो उनको वो अच्छा लगने लगेगा और वो टॉप कर डालेंगे, आपने ऐसा सर है। हाईलाइट किया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज। सर आप एक्चुअली बच्चों को बताओ कि आप पढ़ रहे हो तो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंस क्या है सर, आपके इसमें मैं हाईलाइट ये करूंगा। आपको थोड़ा अपना वर्जन बताइए। हाँ मीन सर इस इंपॉर्टेंस के साथ उनकी स्टडी में, उनके स्टडी में मतलब वो क्यों पढ़ाई करें ऑन द फर्स्ट प्लेस, आपके ओके वर्ड्स में। ओके सर देखिए, यस सर अगर ये बात है तो देखिए सर मैं एकदम इंपॉर्टेंटली कहूंगा, और ये मतलब सर ऐसी बात है कि ये एक पुराण के एक संस्कृत में वर्ड लिखा हुआ है सर, वो ओके वर्ड तो हाँ मैं प्रोनाउंसिएट करूंगा बट एग्जैक्टली उसका बताता हूँ सर मैं क्या है, मैंने ओके बचपन में तो हम पढ़ते तो जल्दी भूलता भी है, फिर ऐसा है मेरे को तो भूल जाता है जल्दी, बार हाँ मगब कर हाँ कोई भी चीज अगर याद करनी है पर्टिकुलर वाली, तो ऐसा है, तो बेसिकली सर क्या था ना इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जैसे कि कोई भी इंसान है सपोज दैट, तो अगर सपोज मैं स्पोर्ट्स में जा रहा हूँ ठीक है, तो मैं फेमस होऊंगा, मैं बड़ा क्रिकेटर बन गया, मैं फुटबॉल वाला बन गया, ठीक है, सो यस ठीक है मेरा नाम हो गया, फेम हो गया, सब कुछ हो गया। सपोज मैं अगर किसी पॉलिटिशियन बन रहा हूं मैं,
तो यस मेरे को पॉलिटिक्स की फील्ड में जाना चाहेगा। मैं अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा रहा हूँ या कहीं भी सीक्रेट एजेंसीज में काम कर रहा हूँ तो मुझे वहां पे जाना चाहेगा। लेकिन सर इन सारे फील्ड में अगर कोई कहता है कि मैं स्पोर्ट्स में जा रहा हूँ तो मुझे वहां पे स्टडी या फिर नॉलेज या इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है तो ये गलत। रियलिटी में स्टडी मतलब क्या होता है कि गेन ऑफ इन्फॉर्मेशन और उसको ना अपने टैलेंट के थ्रू उसको प्रूव करना सामने। Correct, क्योंकि बुक्स पढ़ लिया है लेकिन फायदा क्या अगर तुम उसका यूज नहीं कर रहे हो। तो अगर कोई जैसे कि सर आपने सुना भी होगा कितने सारे मतलब ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं, कितने सारे ऐसे बहुत सारी किताबें पढ़ते हो। क्यों किताबें पढ़ते हैं सर? जरूरी नहीं कि क्लास टेंथ के साइंस वन सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है वही पढ़ना है। बहुत सारी किताबें हैं तो वो भी सर वो पढ़ के नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि उनको स्पोर्ट्स में भी हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं का मतलब सर ये नहीं कि हम साइंस के पीछे एक्सरसाइज याद कर लें, पेपर निकाल रहे और हमारे परसेंटेज 90 आ गए, सर ये मैटर नहीं करता। इंफॉर्मेशन गेन कर लें, कल को क्या पता हमको इसका हेल्प या हमको इससे मदद लग जाए। और रही बात सर तो इंडिया में तो अभी तो फिलहाल हर कंपनी में मार्कशीट ही पहले देखते हैं कितना परसेंट बंदा, फिर बाद में इंटरव्यू होगा। सर मैंने इंटरव्यू दिया है तो मुझे मालूम है कितने परसेंट लाए हो। हाँ 80 आए, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है अभी तुम इंटरव्यू दो। तो ऐसा है सर, मतलब ठीक है वो टैलेंट के बेसिस पे ही काम मिलेगा लेकिन पहली एंट्री मार्कशीट दिलाती है। करेक्ट। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं सबका अपना इंपॉर्टेंस है। तो मेरा कहना यही है कि स्टडी को एज अ सिर्फ एक्सरसाइज याद करके मार्क्स मत निकालो, इन्फॉर्मेशन गेन कर लो क्योंकि कल को वो इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी। तो अगर कोई पर्सन है ना सर, इंफॉर्मेशन जिसके पास है वो हर फील्ड में अच्छा कर सकता है, वो स्पोर्ट्स में भी जा सकता है, वो किधर भी अच्छा कर लेगा क्योंकि उसको नॉलेज है। बस उसको बात पड़ेगी किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक्सपीरियंस बंदा बन जाए, उसको टीचर वैसा मिल जाए, करेक्ट वो स्पोर्ट्स भी कर लेगा, वो किधर भी फाइटिंग भी कर लेगा, सब सीख लेगा अगर उसके पास नॉलेज है तो। करेक्ट यही मानना है। और सर एक्चुअली बहुत सही है, पता है सर ना जो मैंने ऐसे बहुत बार देखा है लोग कूल बनने के लिए ना ऐसा बोलते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई का कुछ मतलब नहीं है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो अच्छे पोजीशन पे है कूल बनने के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर बच्चों ही प्रैक्टिकल एक सर ने आंसर दिया है कि भाई सर भी मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीजें बदलनी चाहिए, बहुत सारी चीजें सर ऑब्वियसली सर मानते हैं लेकिन उसकी जरूरत है फिलहाल। ठीक है तुम चलो पढ़ाई मत करो सब छोड़ दो और फिर तुम सोचो कि अगर ये करना है, नहीं पॉसिबल है भाई, हर इंसान नहीं बन सकता उस लेवल पे, तो आपको करना है बच्चों। तो ये सर का एक प्रैक्टिकल वो था। सो तो आपने ये बता दिया कि सर एक मेरे को बताओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने वीडियो बनाना क्रिएट करना पढ़ाने को आदत बना दी है, पढ़ाई को आदत कैसे बनाए? सर देखिए मतलब आदत सर मतलब क्या है ना, इस चीज में अगर बात करूं तो ऐसा प्रॉपर कोई तरीका नहीं कि हाँ इधर से जैसे कि वही है कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है सर बिल्कुल भी कि मतलब ऐसा करेंगे तो आदत। हाँ सर एग्जैक्टली ये है ना कि मतलब अगर बच्चे अपने अपने आप को एक टास्क में ढाल दें मुझे करना है तो वो फिर आदत ही बन जाती है। मतलब जैसे कि अगर सपोज दैट किसी बंदे को यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, करेक्ट, बात है कि उसे सारे पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी उनकी डेट्स और क्या क्या फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स क्या होता है एंड मतलब पॉलिटी के अंदर क्या क्या कंटेंट है, फिर सारे जीएस सीसेट सब पढ़ना पड़ेगा उसे। तो अगर वो कहे कि मुझे मतलब वो पढ़ के टॉप कर दिया तो सब कहेंगे कि तुम्हारी तो पढ़ाई में आदत है। ऐसी कोई बात नहीं सर कि उसकी आदत है पढ़ने की, वो उसको यूपीएससी क्रैक करना था इसलिए उसने पढ़ा, आदत जैसी नहीं है उसको वो चीज पाना था तो वो एक रास्ता था करने का, क्योंकि अगर वो यूपीएससी क्रैक करेगा तो आईएएस बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अच्छी तरह से आज अपन यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे चीजें आ रही है, आप बताओ सर फ्यूचर क्या लगता है आपको और आपको क्या लगता है ऑनलाइन एजुकेशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑफलाइन एजुकेशन के? सर अगर इस बारे में मैं बात करूं तो जैसा कि सर अभी मेरा खुद का सॉफ्टवेयर का फील्ड है, करेक्ट, तो मैंने इसमें इस चीज में सर कैसा एकदम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन बिल्डिंग सारी चीजों में मैंने एकदम डीप डाउन ये सब कर लिया है, अभी ऐसे बात नहीं एकदम तो एक महान इंसान नहीं हूँ इस बारे में, बस थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया है मैंने। करेक्ट। तो सर इतना जरूर कहूंगा ना कि आने वाले 10 सालों में सर फिजिकल क्लासेस बंद हो जाएंगे, मेरा ऐसा कहना है। मैं ऐसा फिक्स कह सकता हूँ खासकर इंडिया में तो पक्का सर, क्योंकि क्योंकि के टाइम पे ऑनलाइन में ना इतने सारे चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने से बताता हूँ, मैं खुद ऑफलाइन क्लास में जाता हूँ, साइंस मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, करेक्ट, अगर मैं से पढ़ रहा हूँ तो
अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ा सकते हैं, कोई और पढ़ा रहा है। अब बच्चे को 3 टीचर मिल गए, बच्चे को 40 टीचर भी मिल रहे हैं, बच्चे को 100 टीचर भी मिल रहा है, बच्चे को अलग अलग टीचर का अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग रीजन से टीचर उठ के आता है। इंडिया के टॉप लेवल के टीचर्स मिलने के चांस, वैसे में क्या है कि उसको पर्टिकुलर उसके एरिया का एक ही टीचर मिलेगा जो आज 15 साल से वही पढ़ा रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऐसा नहीं कि वो बुरा है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है उसको बहुत ज्यादा वैरायटी मिल रही है। और सर ऐसा है ना कि सिर्फ अपना इंडिया ऑनलाइन में कहां मार खा रहा है कि गांव के विलेज के बच्चे थोड़ा सा सोचते हैं, डर रहता है कि ऑनलाइन पैसा भरेंगे तो मेरा कहीं पैसा डूब ना जाए। करेक्ट 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 करेक्ट, गायब हो जाएगा ना सर जिस दिन से ये डर उनका गायब होगा ना कि मेरा पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। करेक्ट, ये डर गायब होगा तो वहीं पे ऑफलाइन खत्म सर, वहीं पे ऑफलाइन सर। क्या बात है, काफी बोल्ड स्टेटमेंट सर ने रखा है सर ने यहाँ पर। सर एक्चुअली कैसा ना, मैं एक चीज बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, यहाँ पर रियल डेमोक्रेसी है। आपको जिधर जाना है, जहां पे जाना है वहां पर जाओ, कोई कंपलसरी नहीं है कि प्रधान सर है तो मोक्ष सर है उनके पास ही पढ़ना है, आपका मन नहीं करो टीचर के पास पढ़ो, नो मैटर मेरे को कितने लोग फॉलो करते हैं, आपको कितने लोग फॉलो करते हैं, नो इट डजंट मैटर, नो मैटर सर। आपको नहीं पसंद, आपको हमारी शक्ल नहीं पसंद, आपको हमारे पास नहीं पढ़ना तो आप नहीं आओगे। तो रियल डेमोक्रेसी ऑनलाइन एजुकेशन में आएगा। सर मेरे को ना आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछना है, मेरे को पता है आपकी जॉब भी लगी थी है ना, तो आप सर पहले तो आप मुझे बताओ, आप सर आप क्या देखते हो, आप टीचिंग में अपना करियर देखते हो आगे, या आगे अपना करियर किसी और फील्ड में देखते हो, आप क्या सोचते हो सर इसके बारे में? बच्चे तो यही चाहते हैं कि प्रधान सर 24/7 पढ़ाए हमको, हमारे लिए रहे, लेकिन सर का क्या कहना है इधर? सर एग्जैक्टली अगर मैं इस बारे में बात करूं तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ चीजें सीक्रेट भी है सर, ऐसा है, और जब तक वो हो जाए तब तक बोला नहीं चाहिए, कि फिर बाद में ऐसा होगा। करेक्ट, तो कहीं ना कहीं ऐसा है सर कि मुझे और भी जगह कैरियर बनाना है, सिर्फ टीचिंग में ही नहीं। क्या बात है सर, इसको मैं हमेशा ना ऐसा रखता हूँ कि ठीक है मेरा चलते रहे, मैं जो मेरे पास है मैं उसको देते रहूं, क्योंकि सर इसमें क्या है मुझे सीखने सिर्फ इतना मिल रहा है कि मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और मेरी ऐसी आदत है कि मैं सीख नए लोगों से मिलते रहूं, और ऐसे में क्या है कि सर मैं सिर्फ बच्चों को सिखा रहा हूं, मुझे बहुत सीखने मिलता है अलग अलग छोटे बच्चों के थॉट्स, क्योंकि यही इंडिया के बेस है सर, इंडिया के तो पता चलता है बच्चे इनका थॉट्स पता चलता है, बातें भी सर करता हूं, अलग से ग्रुप बना रखे हैं सब, उनसे चैट भी होती है ऐसी बात, उनके थॉट्स मालूम पड़ते हैं और क्या ये सोचते हैं इन फ्यूचर के लिए, क्या सोचते हैं अपने लिए, कितना डेडिकेटेड है, वो सब पता चलता है। लेकिन सर फिर भी अपने को अगर सीखना है तो ये तो हम सर नॉर्मली सीख ही चुके हैं, हमको और बड़े लोगों की जरूरत है, उनके साथ मिलना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि सर इसके अलावा भी दूसरा करियर का सोच रहा हूँ। सो ये है सर, ये बता रहा है कि एक जगह पे लिमिट मत हो जाओ, अपने ऑप्शंस ओपन रखो। हाँ सर देखो, अभी सर चाहे तो सर ने इतना अच्छा कर रखा है, सर को कंफर्ट जोन मिल चुका है, बट सर फिर भी ऑप्शंस ट्राई करेंगे सो दैट कंफर्ट जोन से बाहर है, कुछ बना करें। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यार क्या होता है बहुत बार, यही मेरे दोस्त है, इतना मुझे पढ़ना है, इतना मुझे लाइफ से चाहिए, अपन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बट कहीं ना कहीं पे अगर थोड़ा खुला सोचोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत कुछ किया जा सकता है, तो ये चीज है सर। तो ये यार ये तो क्वेश्चन आंसर सर हो गए। सर आपको एक और चीज मतलब बच्चों के लिए, उसके बाद एक राउंड टू भी होगा सर जो क्विक होगा एकदम बच्चों के लिए सर, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, 10th के बच्चे, 12th के बच्चे या 9th-10th के बच्चे हैं, उनको आप क्या बताओगे बोर्ड एग्जाम के लिए और कैसे वो प्रिपेयर करें अभी 3-4 महीने में, जो ये वीडियो देखेंगे और जो आपसे जो लर्न करने वाले, क्या 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 मैसेज हो गया? सर देखिए, अगर मैं इसमें ना दो लोगों को दो कैटेगरी में बांट दूंगा, ऐसा है कि जिनका कुछ पढ़ के हो गया है, जिनका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है। करेक्ट, ठीक है, तो ऐसे दो लोगों को बांट दूंगा। ऐसा तो नहीं कि सर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है। करेक्ट, बट होता है कि चलो बांट देते दोनों लोग को, ठीक है। करेक्ट, तो इसने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है तो सबसे पहला टास्क उसका ये होगा कि जो भी उसने पढ़ के रखा उसको बोलने नहीं देगा। करेक्ट, अगर जाएगा तो उसकी पूरी मेहनत खत्म, क्योंकि फिर से उसको पूरा याद करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और दूसरी बात सर ये है कि जिसका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है उसको सबसे पहले सर मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस उठा ले वो, और 21 उठा ले, डाइजेस्ट उठा ले, ये तीनों चीजें उठा ले पहले मार्केट से। ओके, और टेस्ट जितने भी पीछे के एक्सरसाइज है सर, पहला टास्क वही कि वो खत्म कर दे याद करके। ओके, और उसके बाद टास्क सबसे बड़ा क्या होगा कि जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है, जैसे ऑड मैन आउट तो आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन वहां पे किधर से भी आने वाला होता है। करेक्ट करेक्ट, बाकी बुक से ही रहते हैं। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। किधर से आना, मतलब सर बुक की लाइन से ही रहता है, बट अगर वो प्रैक्टिस 21 से सारा क्वेश्चन कर लेता है, नवनीत की डाइजेस्ट या टारगेट की पीवाईक्यूज कुछ भी कर लेता है, तो कहीं ना कहीं इतना पहली बात है। और सर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि उसको एक्सरसाइज याद करने के बाद रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे मतलब रिसोर्सेस है, बहुत सारे टीचर्स है अलग अलग आइडिया बताते हैं, उसको इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन उसको खा जाएगा। करेक्ट, तो एक करना है
और उसकी बातों को निष्ठा के साथ एकदम एकदम करना नहीं कि मतलब Correct. मुझे ये फॉलो करना है और मुझे ये सक्सेस दिला देगा, क्योंकि सर दुनिया में ऐसा कोई भी रास्ता गलत नहीं कि इससे मंजिल ना पाई जा सके. करेक्ट, सभी रास्ते. अगर उसको 90 लाना है, सर मेरा खुद का फ्रेंड था, वो 3 महीने में सर 93% अचीव किया था, 10th में गांव से आया था, 3 मंथ में 10th में 93% अचीव किया. ग्रेट ग्रेट, ये कोई फेंकने की बात नहीं सर, मैंने उसको देखा है, वो विलेज में था, बहुत बार था उसके गांव में, फिर उसके दादाजी की एंड हो गई, फिर वो बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी हुई, फिर वो 6 महीने नहीं था सर, कुछ किताबें वहां पे नहीं थी, और तब तो सर 2015 में मैंने दिया था, तभी तो 10th में फोन भी कुछ नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं, ठीक है, सिर्फ 3 मंथ में 93 अचीव किया, मतलब ये ऐसा है, मतलब कर सकते हो. तो यही मैं कहता हूँ ना कि अगर कोई भी एक रास्ता उनको बनाना है तो कहना सिर्फ यही चाहिए, उनको सबसे पहला टास्क एक्सरसाइज याद कर लो, डाइजेस्ट में के एज इट इज याद कर लो, क्योंकि इस वक्त ना अगर कोई कहता है कि कॉन्सेप्ट को समझो वो बेटर है, लेकिन सर कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम जाता है, थिंक करने में सर बहुत टाइम जाता है. करेक्ट. और अपने पास सिर्फ 3 महीने, 3 महीने कैसा भी करके ना अपने को आंसर पहले याद करना है, और फिर ना उसके बाद सोचते रहो ना, थिंकिंग तो आती रहती है हमेशा के लिए. तो अगर मैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो उनको पहले आंसर के मतलब क्वेश्चन के आंसर आना इंपॉर्टेंट है, अगर समझने के पर्सपेक्टिव से तो फिर सारी समझते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग कर लो अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुमको बोर्ड निकालना है कि हाँ मेरा बोर्ड निकल जाए तो फिर ठीक है, मतलब तब तो बेटर है कि तुमको याद करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन के आंसर आएंगे तो बोर्ड निकलेगा, ऑप्शन यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. और क्वेश्चन कैसे भी आए, चाहे तो तुम समझ के निकालो या कैसे भी निकालो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम रट्टा मारना बैठ जाओ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ डाइजेस्ट में के आंसर तो लाइन टू लाइन कंसिस्टेंसी के साथ रीड करना शुरू करो, उसको बार बार मतलब पढ़ो, जितने बार अभ्यास करोगे उतने बार तुम्हारे दिमाग में जाएगा वो. सर आपने सुना भी होगा ना, मतलब करत करत अभ्यास तेरा सही हो जाएगा, मतलब हाँ, तो वो सारी चीजें ना उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा. और इसके बाद ना सर क्या इंपॉर्टेंटली कि जो बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो तो सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं, प्रॉपर टास्क बनाना चाहिए उन्हें कि हफ्ते में मुझे 3 चैप्टर कर लेने, उनके हफ्ते में 3 से 4 चैप्टर हो जाने चाहिए. Correct, किसी के तो 6 चैप्टर भी हो रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया उनके 7 चैप्टर सर 7 डेज में हो रहे हैं, ऐसा है, और ना मतलब 6 चैप्टर याद करते हैं पूरे 7 डेज में, 6 दिन, और 7वें दिन वो रिवाइज कर रहे हैं, सबसे बेटर आइडिया है, हर संडे रिविजन डे और बाकी दिन 6 के 6 दिन वो स्टडी कर रहे हैं. Correct, तो ऐसे एक दिन हिस्ट्री, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन साइंस, एक दिन मैथ्स का एक चैप्टर उठा के रिविजन कर लिया, तो ऐसे सारी चीजें वो स्टडी कर रहे हैं. तो इस हिसाब से अगर 3 महीने में करता है ना तो आराम से सर कोई भी 90 निकाल लेगा. Definitely. सर मेरा ये कहना है स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है, कि जैसे कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ट्रेंड देखो कि कैसे भाई कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और कुछ चीजें जो तुम्हें नहीं है, क्योंकि हर इंसान को सब नहीं आ सकता सर, ये फिक्स है, ठीक है, कोई चैप्टर नहीं आता है, मतलब ये चैप्टर ही नहीं समझ रहा है मुझे तो क्या करना है, वो चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ दो ना और बाकी सारे कर डालो, तो एग्जाम में एकदम फिक्स हो जाएगा, सब मार्क्स निकल जाएंगे. करेक्ट. कुछ भी चीज अचीव करने के ना सिंपल रास्ते ही होते हैं, बस लोगों को लगता है कि मुझे 90 निकालना है तो बहुत रास्ता होगा, कोई बड़ा रास्ता होगा, धासु एक स्ट्रेटजी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेटजी से कोई भी बंदा 90 निकाल सकता है. डेफिनेटली. तो इस बात सिलेबस भी रिड्यूस्ड हुआ है, तो अगर आप सिस्टमेटिकली बैठोगे क्या चैप्टर्स है, कितने हैं, कैसा है, कितना टाइम, तो आई थिंक डिफिकल्ट नहीं है. तो ये तो सर क्वेश्चन आंसर हो गए. आपके साथ एक राउंड 2 हम खेलेंगे जिसमें हम रैपिड फायर करेंगे, आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगा, आपको 1 ऑप्शन वो करना है, ठीक है, स्टार्ट करें सर. सर मींस ओके ठीक है सर. दो ऑप्शन आपको, 1 ऑप्शन वो करना है, टी और कॉफी. कॉफी ठीक है. डे और नाइट. सर रैपिड फायर डे. सर कोहली और तेंदुलकर. साइंस 1 और साइंस 2. साइंस 1. क्या बात है सर. अच्छा मेरे को बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, जो चीज आप जिंदगी भर तक पढ़ा सकते हो. सर अगर इसकी बात करूं तो मतलब साइंस ही सर आता है और कुछ नहीं, साइंस और मैथ. क्या बात है सर, और वैसे तो, लाइफ लेसंस देना अच्छे लगते हैं. हाँ डेफिनेटली. सर आप मेरे को आप बताओ बच्चों के लिए, मतलब अगर आप बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, आप एंशियंट कल्चर्स वगैरह का भी आपको बहुत काफी शौक है ना, यू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो अ बिट, तो आप मेरे को बताओ सर बच्चों के लिए जो अपनी इंडियन संस्कृति है या कल्चर है उसमें क्या इनपुट्स लेने चाहिए और उसमें क्या लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है ना आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से इधर उधर हर जगह, बट अपने रूट्स को भूल चुके हैं सर, तो आप उसको एक बहुत ज्यादा वो करते हो, आपको देखे लगता है कि आप सीरियसली फॉलो करते हो और उनको बिलीव करते हो, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए सर. हाँ यस सर, देखिए इस बारे में अगर सर मैं बात करूँ तो यही सर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को ना सर
आजकल के सारे लोग यही सोचते हैं कि मैं कूल दिखूं मतलब, और अगर सर कसम से कहता हूँ, सर कसम से कहता हूँ कि अगर सर अगर कोई कह देना मतलब कि चलो, अगर सपोज सर मैंने ये फील भी किया सर, ऐसी बात नहीं है, अगर किसी का नाम ना ऐसे पुराने जमाने से ऐसा लगता है ना कि पुराने जमाने जैसा नाम है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मैं कोई बड़ा सा नाम ले लूं ऐसा, हाँ, कोई भी, हाँ, हाँ. तो अपना नाम बताने में शर्माते सर सबसे बड़ी बात ये, सीरियसली बोल रहा हूं मैं सर, सीरियसली बोल रहा हूं, यस यस डेफिनेटली अग्री अग्री, अपना नाम बताने में शर्माते हैं, अग्री, लेकिन ना सर तो ये क्या है मतलब, उनके मॉम डैड ने उनकी संस्कृति जो है उनका कल्चर है उस हिसाब से उन्होंने नाम रखा है, वो अपना नाम, उनको नाम कैसा चाहिए, डिसूजा वो ये फलाना ढिमका पता नहीं ऐसा नाम चाहिए, तो उनको यस आई एम बेस्ट ऐसा उन्हें फील होता है। सर सीरियसली अगर मैं बात करूँ ना तो जो अपनी कल्चर है, तो सिर्फ ऐसा सर मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी बहुत सारे यूनियंस बैठे हैं और उन्होंने ये प्रूफ किया है कि इंडियन कल्चर सबसे एंशियंट कल्चर है। Correct. और ये प्रूफ, और इस कल्चर के जैसा कोई कल्चर ना हुआ है और शायद इन फ्यूचर जा रहा है, तो बनने तो नहीं वाला है, इससे बेस्ट कल्चर हो नहीं सकता। करेक्ट करेक्ट। दूसरी बात है सर ये है कि इतने बड़े दुनिया में ना मतलब अगर सिर्फ हम अपने इंडियन कल्चर की बात करें, करेक्ट, अब मैं सिर्फ प्रॉपर हिंदुइज्म की बात नहीं करूंगा ना ही मैं प्रॉपर इस्लामिक की बात करूंगा, इस्लाम की बात नहीं करना, मैं प्रॉपर इंडियन कल्चर की बात करने वाला हूँ, तो अगर सर एंशियंट चीजों से अगर सीखने को मिलता है ना बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कि देखो सर सोचने के नजरिए दो होते हैं, अगर सपोज कोई बड़ा आदमी खड़ा है तो उसके सामने छोटे लोग जल्दी नहीं आते, तो इसमें सोचने का दो है कि लोग कहते हैं कि वो छोटे वाले बंदे को ना दबा के रखा जा रहा है, लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन सर मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, वो रिस्पेक्ट दे रहा है इसलिए छोटे बड़े बड़े आदमी के पास नहीं जाता है, करेक्ट, इसका मतलब तो सर देखिए मतलब क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो निगेटिव थॉट्स फैला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सर वो दबा कहां सप्रेस कर रहा है, वो सर उल्टा ऐसी चीज है कि वो रिस्पेक्ट कर रहा है बड़े की, उसके सामने हम नहीं आएंगे क्योंकि वो हमसे बड़ा है, सर ये रिस्पेक्ट, और ऐसी बात नहीं, तो कुछ लोग कहते हैं कि कौन से लेवल का रिस्पेक्ट है ये, कहाँ का रिस्पेक्ट है, तो ठीक है उन्होंने ऐसा कभी फील नहीं किया तो ऐसा हो सकता है, तो कोई जरूरत नहीं कि तुम ऐसा रिस्पेक्ट दो, लेकिन सर कहीं ना कहीं अगर ऐसा डिसिप्लिन है ना सर, हाँ, तो बहुत बड़ी चीज मिलती है, क्योंकि सर देखिए अगर नॉलेज गेन करना है तो डिसिप्लिन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम अगर हमारे जैसे गुरुकुल में हुआ करता था, वहां पे अगर टीचर्स आ गए तो हम लोग इमीडिएटली स्टैंड अप होना है, जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक बैठे रहना है, मतलब कि यहाँ भी ऐसा होता है, करेक्ट, लेकिन सर वहां के होने में और यहाँ के होने में ये फर्क है कि जब यहाँ का बंदा खड़ा होता है तो ये कहते कि अरे आ गया यार किधर से आ गया ये कहता है बच्चा, लेकिन सर जब वहां पे हम खड़े होते तो एक रिस्पेक्ट होती है, अरे गुरुजी आ गए हमारे, तो ये फीलिंग सर ये अभी तक नहीं हुआ है, मतलब शहरों में ऐसा नहीं हो रहा है, तो देखिए सर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो हमारा शहर सिटीज बहुत आगे बढ़ रही है मॉडर्न तरीके में, लेकिन अगर सर कसम से कहता हूं अगर उन्होंने इस कल्चर को फॉलो करके और डिसिप्लिन को फॉलो करके चलाना, तो डिसिप्लिन है पुराने जमाने का एंशियंट का, तो सर इतना अच्छा इंडिया डेवलप होगा ना कि मैं क्या कहूं, क्योंकि फिर किसी के अंदर निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर क्या होती है, जब बचपन में हम डिसिप्लिन सीख लेते हैं ना तो जब हम बड़े होते हैं ना तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उनमें हम कर सकते हैं, वो कहते हैं ना कि यार हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, करेक्ट करेक्ट, करूं मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, कंट्रोल नहीं होता मेरे से, तो ये जो चीजें है ना तो वो सर कर सकते हैं, तभी ये पॉसिबल सर, ये एक दिन की बात नहीं है, अभी अगर हम किसी को 25 के ईयर के बच्चे को समझाने जाएंगे, या 25 ईयर का बच्चा नहीं होगा फिलहाल पर वो बड़ा है, अगर यार कंट्रोल कर तो बोलेगा अरे तू जा यार कंट्रोल नहीं होता मेरे से, लेकिन अगर वो तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है ना सर, ये पूरे मतलब 20 साल का प्रोसेस है, हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, नहीं कि हमको फ्रीडम नहीं है, हमको फ्रीडम है, हमको थिंकिंग की फ्रीडम है, हमको सोचने की फ्रीडम है, हम कुछ भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो नॉलेज गेन करने से बड़ा कौन सा बड़ा ये हो सकता है फ्रीडम से, 90%, 90%. तो कहीं ना कहीं ये कि अगर हम डिसिप्लिन से चलते हैं ना तो हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और हम जिस दिन अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते तो फिर हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, हमको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, हमारे सामने कितना भी बड़ी से बड़ी चीजें आ जाए हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है जाओ यार तुम, ऐसा हो सकता है, तो ये सर कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, मतलब के पास डिसिप्लिन और कंट्रोल करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर उसे चेंजेस बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब कंट्रोल तभी होंगी जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं, और अगर सर ये कंट्रोल तो नॉलेज गेन करना तो भूल जाना है, ऐसा है, करेक्ट करेक्ट, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि मैं सब इस वक्त पूरा एंशियंट चीजें तो नहीं बताऊंगा, बट वहां सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि डिसिप्लिन उठा लो, करेक्ट करेक्ट, सर डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि ऐसा टीचर है तो सावधान ऐसे खड़े हो जाओ, मतलब ऐसे सर नहीं है,
डिसिप्लिन मतलब ये कि हम पंक्चुअल रहें अपनी चीजों के लिए, मेरा एक टारगेट हो। अभी सर जैसे कि अगर मैं चंद्रगुप्त की बात करूं तो 12 साल की उम्र में उनका टारगेट बन चुका था कि मैं भारत का सम्राट बनूंगा, यहाँ 12 साल के वीडियो गेम खेल रहे हैं। सर ऐसी बात है कि नहीं सर, वीडियो गेम खेलना भी बुरी बात नहीं, बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। नहीं नहीं सर, क्योंकि उसमें फ्यूचर है सर, बहुत फ्यूचर है। करेक्ट करेक्ट। सर ऐसा नहीं कि सर 12 घंटे वीडियो गेम खेलना, थोड़ा सा अलग टारगेट भी होना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हैं, अपने अपने जगह पे मैटर करती हैं। और वैसे भी सर ना, अगर मैं एक सदगुरु का, सर आपने नाम सुना होगा सदगुरु, डेफिनेटली वासुदेव जग्गी, तो उन्होंने एक बात कही है ना कि करने दो जिसको जो करना है, छोटा बच्चा है उसको अपनी लाइफ जीने दो, हम क्यों उसे करेंगे। हाँ, लेकिन उसके माइंड में एक थॉट डालते रहो, उसके माइंड में एक थॉट डालते रहो कि तुम्हारा कुछ टारगेट है, तुमको इस दुनिया में कुछ बनना है, कुछ भी बनना है, जो तुम चाहो वो बनो, लेकिन एक कुछ बनना है, तो जिससे कि उसके मन में एक सोच आती रहेगी, एक थिंकिंग डेवलप होती रहेगी। जब उस डेवलप होती रहेगी, करेक्ट, टीनेजर्स के टाइम पे उसकी बॉडी की यस मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, या तो भले वो वीडियो गेम में अपना करियर बना ले, भाई बना लो, लेकिन कुछ करना है तो वो उसको करवा देगा। आईएएस बनना है बन जा, पॉलिटिशियन बनना है बन जा, कुछ भी बनना है बन जा, तो बनना है वो एक चीज डालते रहो। और अच्छाइयां क्या है वो बताते रहो, बुराइयां क्या है इनके बीच में डिफरेंस बताते रहो, और बाकी उसको जो करना है वो सोचने दो, उसको फ्रीली सोचने दो, लेकिन हमें दोनों बातें बतानी है, बुराई क्या है अच्छाई क्या है, दोनों बताते जाना है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। हमने अच्छाई सिखा दी सर और बुराई नहीं सिखाया तो फायदा क्या है? बुराई सिखाने का मतलब प्रैक्टिस करने लग जाओ बुराइयों को। हाँ, बुराइयों की समझ होनी चाहिए कि ये चीजें बुरी होती हैं, लोगों को सर पता चीजें बुरी ये है, ये रियलिटी में बुरी होती है, और फिर लोग गलतियां कर देते हैं, फिर गलतियों की पनिशमेंट मिलती है उन्हें। दोनों की समझ होना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, 110%। तो सर इतना, सर ने इतना वो किया, मैं आपको एक चीज सर का समअप ये सर बता सकते हैं कि सोच आगे की रखो, लेकिन पैर जमीन पे रखो, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी रखो, जो अपन अपने कल्चर से सीखते हैं। बहुत ब्यूटीफुली सर आपने एक्सप्लेन किया। तो सर फाइनली, सर इतना वंडरफुल सेशन के बाद फाइनली आप स्टूडेंट को क्या मैसेज दोगे और क्या बोलोगे बच्चों को कि कैसे अपना दिनचर्या बिताए, किस तरह से एग्जीक्यूट करे चीजों को, और कैसे जैसे आपने बताया सर कुछ करना है, कुछ करना है, तो वो थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप हो जाए माइंड में, वो आप बताइए सर। अच्छा सर, एग्जैक्टली देखिए क्या होता है ना कि जब भी हम बचपन में सपोज कुछ स्पोर्ट्स में जाते हैं, कुछ खेलने लगते हैं, ठीक है, कि बस मैं खेल बहुत अच्छा लेता हूँ, या सपोज मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ थोड़ा सा। एग्जैक्टली जब मैं 10th में था तो मेरे सर कहा करते थे कि हमको ना ऐसी स्टडी करनी चाहिए कि हमको सपने में भी वो क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसा कह रहा हूँ, मेरे सर ने ऐसा कहा था। मैं सोचता हूँ सर कुछ भी बोल रहे हैं, भला हमारे सपने में कोई थ्योरम कैसे आ सकता है, ज्योमेट्री का या अल्जेब्रा का, कोई भी अल्जेब्रा में तो फिलहाल थ्योरम ही बहुत कम है, पर साइंस की बात करूं तो कोई भी क्वेश्चन भला कैसे सपने में कैसे आ सकता है, और हम सपने कोई क्वेश्चन कंप्लीटली कैसे लिख सकते हैं। तो सर बिलीव नहीं होगा, जुलाई के मंथ में सर हमको ऐसे बोले थे सर ने कि कोई भी ऐसा पढ़ो, इतना डीप डाउन चले जाओ किसी भी वर्क में ना, वो सपने में भी याद आना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सर ना 3 महीने तक यही सोच रहा था कंटिन्यूअसली कि सपने में कैसे कोई चीज आ सकती है। अब सर यही सोच रहा है, मतलब बस ऐसी जस्ट सोच रहा है, इतना नहीं कि सर इंटेंशनली मैंने ले लिया, बट सोच रहा हूँ सपने में चीज कैसे आ सकती है। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन नवंबर का मंथ था और मैं नाइट में एकदम सो गया, जैसे ही सोया तो सर उसके बाद क्या हो रहा है कि मैं सपने में उठ के और अपने ज्योमेट्री के थ्योरम सॉल्व कर रहा हूँ, और कट टू से प्रूफ कंस्ट्रक्शन सारी चीजें एग्जैक्टली, और कंफ्यूजन देन लास्ट में आंसर सब निकाला। तो तब जाके सर देखिए, इस चीज को मैं अगर कहूँ ना तो ये फीलिंग है सर, और हम फीलिंग को बता नहीं सकते कि जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमको कैसा फील होता है, वो तभी समझेगा जब सामने वाला बंदा वहां तक पहुंचेगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सर ने हमको कोई क्वेश्चन दे दिया, तो अगर हमने सर अपने आप को क्वेश्चन कर दिया तो कैसा अंदर से एक खुशी आती है, तो ऐसा लगता है कि यस मैंने कर दिखाया। तो ये जो सर थोड़ी सी खुशी है ना सर, थोड़ी सी खुशी नशा बन जाती है, मुझे अब ऐसी ही खुशी चाहिए, तो फिर वो एक दिन नशा बन जाएगा, फिर हम रोज चाहेंगे मुझे ऐसी खुशी चाहिए। जैसे कि सर कैसे होता है कि अगर हम सपोज वाइन पी रहे हैं, ठीक है, तो जो पीता है तो आपको पता है सर डोपामाइन रहता है, तो फिर उस हिसाब से हाँ, तो ऑब्वियसली तो वो फिर क्या होता है, उसको नशे की लत लग जाती है और उसे अच्छा लगता है, उसी टाइम पे नेक्स्ट डे फिर से उसे वाइन चाहिए, ऐसा उसको लत लगते जाती है। तो सर डोपामाइन सबके लिए वर्क करता है, वो हमारे सक्सेस के लिए भी वर्क करता है। अगर हमने सक्सेस को एक खुशी से देख लिया ना कि अरे यार ऐसा फेम होता है, ऐसे सक्सेस मिलती है, हमारे सामने वाले हमारे थोड़े से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने से ऐसे खुश होते हैं, तो फिर हमको वैसा एक लग जाता है, नशा सा लग जाता है, और फिर हम उसके लिए एकदम बेताब लग जाते हैं, चाहिए चाहिए चाहिए। तो ऐसा करते करते फिर हम बस उसके लिए अब उसको पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो सर अब मेरा यही कहना है कि एक बार, एटलीस्ट एक बार
एक बार ना टीचर को खुश करके देखो, और फिर जब तुमको वो खुशी होगी तुमको उसकी लत लग जाएगी, और फिर वो आदत, फिर तुम हमेशा वो खुशी करके देखोगे। तो अगर टीचर ने कह दिया कि कम्प्लीटली कल ये एक्सरसाइज पूरा याद करके आना है, सारे बच्चे वो कम्प्लीटली एक बार ऐसा करके जाओ ना कि टीचर टंग पूछे तुमको तुरंत आंसर आता है। करेक्ट, फिर देखना क्या बात है यार, आज तुमने याद कर लिया, तो जब वो खुशी मिलेगी ना तुझे कि अरे टीचर ने मेरे लिए ऐसा कहा, तो वो खुशी एक तुम्हारी लत बन जाएगी, और फिर तुम हमेशा के लिए मतलब सक्सेस के पीछे यही चीज चाहिए, मुझे यही चीज चाहिए, और ये एक आदत बन जाएगी। फिर हमेशा हार्डवर्क करेंगे, और हमेशा हमको, क्योंकि सक्सेस की एक नशा लग चुका है ना सर, तो वो नशा लग जाएगा, एक आदत बन गई हो। बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ढूंढते हैं कि अच्छा अच्छा मैं ये कर लूंगा तो मेरे को शॉर्ट टर्म खुशी मिल जाएगी। तो वो शॉर्ट टर्म जो रश होता है डोपामीन का, बच्चों एक हार्मोन डोपामीन, आपको जैसे कोई अगर कोई ड्रिंक कर रहा है तो व्हाट हैपेंस इज उनकी थिंकिंग कैपेसिटी ब्लॉक हो जाती है बिकॉज डोपामीन रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है बच्चों, अपने लॉन्ग टर्म विजन देखो, लॉन्ग टर्म गोल देखो कि आज से 5 साल या 10 साल के बाद मैं ठीक ठाक, ये मत सोचो कि मैं क्या करूंगा, क्या मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ, क्या मेरे घर वाले मुझसे खुश है, क्या मेरे टीचर्स मुझे खुश है, क्या मेरे घर वाले मुझे प्राउड फील कर रहे हैं। तो ये चीज अगर आप अपने संस्कार में डाल दोगे, अपने मैनर्स में डाल दोगे, अपने हैबिट्स में डाल दोगे, तो आई थिंक दिस विल डेफिनेटली गिव यू अ किक जो लाइफ टाइम तक रहेगी। तो यार प्रशांत सर बहुत मजा आया, बच्चों को डेफिनेटली बहुत सारे गाइडेंस आपने दी, ये अपने, ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है ये पर्टिकुलर सीरीज का जो मेरे को कंटिन्यू करना है बहुत अच्छी तरह से। आप मेरे फर्स्ट गेस्ट हो सर, थैंक यू सो मच। प्रशांत सर के बारे में मैं सच्ची बोलूंगा बच्चों, भले ही प्रशांत सर ने इतना सारा अचीवमेंट से छोटी उम्र में, मैं यही बोलूंगा सर आपने बहुत सारा चीजें अचीव की अब तक, मैं ये मानता हूँ। और सर का जो हम्बल नेचर है, हार्डवर्किंग नेचर है, इजिली अप्रोचेबल नेचर है, मैं कितने लोगों को जानता हूँ बच्चों जो रिप्लाई भी नहीं करते, क्यों रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यार इससे क्या बात करूंगा यार, क्या प्रशांत सर का एक नेचर है सर, ये चीज आप सर आपको माननी पड़ेगी कि सर को अप्रोच करना, सर से बात करना बहुत ईजी हो जाता है, ऐसा लगता है बड़े भाई से बात कर रहे हैं। तो यार ये चीज सर के बारे में बहुत अच्छी चीज है, और डेफिनेटली बच्चों जो ऑब्वियसली अगर आप ये देख रहे हो तो न्यू इंडियन एरा आपको पता ही होगा, लेकिन अगर एक बच्चा भी ऐसा है जो यार चाहता है कि आपको सिस्टमेटिकली पढ़ाई हो, ना सिर्फ 9th 10th की, 11th 12th की भी, तो यार न्यू इंडियन एरा को चेक करना, प्रशांत सर को चेक करना, काफी डेडिकेटेड और हार्डवर्किंग वो है। और फाइनली बच्चों अगर आप मेरे चैनल पे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, हम भी यार मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत सर यार थोड़ा एक लास्ट में आप थोड़ा ये बताइए सर कि किस तरह से यार बच्चों को फाइनल एक आप वो कहोगे कि यार बच्चों आपको ये ऑनलाइन एजुकेशन भी है, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो वैसे की टीचर्स हैं, तो आप ये आप बच्चों को क्लियर बता दो कि ऑनलाइन में भी पढ़ाई हो सकती है, एक फाइनल आप नोट ये बता दो। सर देखिए फाइनली यही चीज है कि मतलब इस लॉकडाउन के चक्कर में देखो हमें ना, जैसे कि अभी आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है कि जिसने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया दुनिया में वही जीतने वाला है। करेक्ट, डार्विन वही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है और वही सर्वाइव करेगा। दोनों की बात कहीं ना कहीं मैच हो रही है सर, चाणक्य की भी डार्विन की भी। करेक्ट, जो मतलब सर्वाइव कर, मतलब फिट है वो सर्वाइव करेगा, अडॉप्ट कर रहा है वो सर्वाइव करेगा। तो अभी लॉकडाउन आ गया तो फिर क्या करोगे, ऑफलाइन में जाएंगे, कोरोना लेके आएंगे, तो क्या बस है, पढ़ना तो है ही है, पढ़ना तो है ही है। और इन फ्यूचर की बात करूं सर, इन फ्यूचर की बात करूं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमेशा ऑफलाइन नहीं रहेगा सर, फिक्स है सर, सबके पास में फोन आ रहा है, आज सर फोन है, कल को डिजिटल मोबाइल्स भी आने वाले, आपने मूवीज में देखा होगा वो कैसा ब्लैक व्हाइट कलर का ओपन होता है, वैसे भी आने वाले, और जो कि जस्ट वो वर्चुअल है सर, वो वर्चुअल रहेंगे, सबको ऐसा रियलिटी में कोई हार्डवेयर नहीं होगा, वो जस्ट सॉफ्टवेयर रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अभी हो रही हैं, क्या क्या बदल रहा है, और अभी तो हमको 60-70 इयर्स की एज तक तो रहना है इस अर्थ में, तो बहुत सारी चीजें हमें देखने मिलेंगी। और बहुत अच्छा है कि मैं 2020 इस 20s में हूं, मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं सबको यही मतलब कहूंगा कि तुम लोगों को करना कुछ नहीं है, अडॉप्ट करना सीखो, किसी भी सिचुएशन में ढलना सीखो, ऐसा नहीं कि तुम सिचुएशन को ही अपने हिसाब से बना लो, सर कोई सिचुएशन को नहीं बदल सकता है। अभी हमको अगर हिमालय चढ़ना है तो मैं क्या हिमालय को खत्म कर दूंगा क्या, मतलब ऐसा तो नहीं है, हिमालय तो चढ़ना पड़ेगा। तो सिचुएशन को हम नहीं चेंज कर सकते सर, सिचुएशन के हिसाब से हमें बदलना है। और यही बात सर गीता में भगवान ने भी कही है कि अगर लोग सोचते हैं कि हम परिस्थितियों को बदल दें, ऐसा नहीं है, हमें सर परिस्थितियों के हिसाब से चलना है, क्योंकि हम नेचर, तो ये सबसे बड़ी बात है। सामने ऑनलाइन आया है तो तुम्हें सिर्फ क्या देखना है, नॉलेज देखना है ना, तो दुनिया से क्या फर्क पड़ता है, तुमको नॉलेज चाहे इतने बड़े से डब्बे से मिले या फिर एक मतलब 100 square feet के एक रूम के अंदर तुम बैठे उससे मिले, लेना तो नॉलेज ही है। तो अब जो सत्य जिसको सिर्फ नॉलेज चाहिए वो फोन से भी ले लेगा, जिसको नहीं लेना है किधर से भी नहीं लेगा,
क्या तो बात ऐसी है, बात क्या बात है, ब्यूटीफुल। और है, फाइनली यही ऑप्शन है। सर और मैं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी, जो कि बहुत यस ज्यादा सर। यू नो ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। तो बच्चों यार सर फाइनली आप क्या कहोगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में, और फाइनली चैनल के बारे में क्या कहोगे, हमारे चैनल के बारे में क्या कहोगे, और किस तरह से पढ़ाई वो कर सकते हैं, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। सर अनअकैडमी चैनल तो एकदम ग्रेट है, अभी एकदम लार्जेस्ट बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और बहुत अच्छी सभी को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। करेक्ट कितने उन्होंने मतलब प्रोवाइड किया एजुकेशन, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस के थ्रू, जिन बच्चों को पर्सनल पढ़ना है प्लस क्लासेस लेते हैं, जिनको स्पेशल है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं। तो करेक्ट एक ऐसा वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है सर, जो दोनों स्टूडेंट को हैंडल कर रहा है, जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, जिनके पास है, और कहीं ना कहीं सर जेई आईआईटी की तो अगर बात करूँ तो इतना सारा फीस है, फीस को एकदम डाउन कर दिया है, बहुत ज्यादा और में भी अगर उसको उसमें भी अगर बच्चों को बहुत ज्यादा लगता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट है फीस का, तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि एक टीचर्स एक सब्जेक्ट के लिए, एक टीचर्स नहीं है, 100-100 टीचर्स भरे, करेक्ट एक से नहीं करेक्ट समझता दूसरे से पढ़ो, करेक्ट और ऐसा नहीं कि दो है, हंड्रेड्स ऑफ टीचर है सर, हंड्रेड्स किससे ऑफ पढ़े, टीचर्स हैं। करेक्ट बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है और बहुत सारा ग्रो कर रहा है सर। अगर मैं इसकी भी बात करूँ तो 5 ईयर्स बाद तो ये कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा ये, ऐसा है। डेफिनेटली डेफिनेटली लोग तो सर यूट्यूब में लगे ही हुए हैं सर, आप डेफिनेटली भी लगे, सर डेफिनेटली के चैनल को भी सभी लोग सब्सक्राइब कर देना यार, सब भी लोग कर थैंक यू देना, सो मच, थैंक यू सो सब मच, बेस्ट है, और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपसे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है फिर ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो बच्चों यार थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक हो देख रहे हो लास्ट तक तो थैंक यू सो मच। प्रशांत सर को वंस अगेन थैंक यू सर, आप आए, बहुत ही अच्छा लगा सर, आप फर्स्ट गेस्ट हो मेरे, और फ्यूचर में भी सर कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ और बच्चों के लिए हम कर सकते हैं, तो वो भी हम प्लान यस आउट सर, करेंगे। सर थैंक यू सो मच, और बच्चों आप भी पढ़ाई करते रहो, और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, अपना टाइम नहीं आएगा, अपना दौर और जमाना आएगा, बस मेहनत करो, कोशिश यस करो, मजा आने वाला है। सो यार थैंक यू सो मच मजा बच्चा आएगा, पार्टी, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। यस वेलकम।